आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप। आइए ले चलते हैं खबरों की तरफ। ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। न्याय के लिए लगा रही है गुहार, नहीं सुनी जा रही है महिला की फरियाद। मामला आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र की निवासिनी साधना सिंह पत्नी वीरेंद्र सिंह ग्राम बेला का आरोप है कि मैंने न्याय के लिए आला अधिकारियों तक को सूचना दी, लेकिन मेरी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। दिनांक 9 जनवरी 2022 को दोपहर में मनबड़ों द्वारा मेरे द्वारा लगाए गए 40 से 50 हरे पेड़ काट दिए गए। मैंने सूचना तरवा थाने को दिया, लेकिन महिला का आरोप है कि एरिया के नायब दरोगा हरीश चंद्र प्रसाद मेरे ऊपर तथा मेरे बच्चे के ऊपर दबाव बनाकर मामले को जैसे तैसे निपटाने में लग गए हैं। मैंने इसकी जानकारी आला अधिकारियों को भी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब इस विषय पर तरवा थानाध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मामला मेरे संज्ञान में है, जांच हो रही है, कार्रवाई की जाएगी। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बाबू, उस दिन का मामला क्या है, आप बता सकते हैं क्या? हम यहाँ पे खेल रहे थे 2-3 बच्चों के साथ, तभी ये आए फरसा लेके पेड़ काटे। कौन लेकर आया? राजगुरु लेके आए फरसा और पेड़ काटने लगे। पेड़ काटने के बाद जब मैं बोला पेड़ क्यों काट रहे हो, तो बोला आ तो उनके काट दे। इस पे आपने किसी को सूचना किया फोन से? हाँ, मैंने चाइल्ड केयर हेल्पलाइन पे फोन की, पर वहाँ पे फोन नहीं गया, तो 100 नंबर पे फोन किया। तो फिर क्या हुआ? 100 नंबर फोन करने के बाद जब पुलिस आई, तो पुलिस ने उन्हीं के घर पे जाके गाड़ी रोकी और वहाँ से पता नहीं क्या किए। फिर बाद में थाना के प्रभारी आए लोग, SO, फिर ये लोग आके बोल रहे हैं कि क्या हुआ है, तुम ज़्यादा फ़ोन करने वाले भय हो, तुम ज़्यादा बड़े हो गए, सूचना दोगे, हाँ तुम ज़्यादा पुलिस को बुलाने के लिए हो। और मुझे दौड़ाया, पर मेरे पैर में चोट लगी और मेरा सेट फट गया गिरते समय, और मेरे पैर में भी चोट लगी, और मेरा मोबाइल SO साहब छीन रहे थे, बोल रहे थे कि इस बच्चे का मोबाइल छीन लो, ये क्या नाम की ज़्यादा सूचना देने वाला हुआ है। आप अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम साधना सिंह है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? ग्राम बेला की। थाना कौन सा पड़ता है? थाना तरवा। जिला? आजमगढ़। आपका पूरा मामला क्या है, आपके साथ कौन सी घटना घटी है? सर, ऐसा है कि 7 तारीख को मेरे घर पर चढ़कर आकर वो सब मारे हैं। मेरा एक नीम का पेड़, एक आम का पेड़, 7 गन्ना का पेड़ काट लिए। मैं जाकर दरखास्त दी, 100 नंबर बुलाई, 100 नंबर के सामने हमको ईट उठा लिए। 100 नंबर ने से मैं पूछी कि सर आप नहीं देख रहे हैं, बोले तुम्हारे पास औलाद है कि तुम जानोगी औलाद कहाँ। मैं दरखास्त दी, 8 तारीख को मुझे SO साहब ने वहाँ बुलाए, वहाँ मैं गई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर 9 तारीख को बुलाए, 9 तारीख को मैं वहाँ 11:30 बजे तक पहुँच गई। वहाँ गई तो बोले लो कि बैठिए, 1 बजे तक मैं बैठी रही। बैठने के बाद बोल रहे हैं कि अभी वो आ रहा है। कौन आ रहा है? राजगुरु, पृथ्वीराज और राजगुरु को हम बुला रहे हैं, विपक्षी आ रहा है। तो वो बोले कि आ रहा है, तो हम बैठी वहाँ, आया तो उसको क्या कहें, तो वो बोला कि हरिश्चंद्र जी से मुझसे बात करना है। वो लोग बोल रहे हैं अभी हरिश्चंद्र जी आ रहे हैं, तब वो पता नहीं क्या बात किया, इसके बाद उसको बैठा दिया। हरिश्चंद्र क्या है? नायब साहब हैं, हरिश्चंद्र, नायब दरोगा, नायब हरिश्चंद्र प्रसाद नायब दरोगा। वो उनको, उनसे वो सब मिले, हमको हटा दिए। मैं जो बाहर निकल कर आई, तब तक वो अपने घर फोन कर दिया था। मेरा आम पेड़ सब, 16 पेड़ आम का, 4 पेड़ नींबू का, अमरूद का पेड़, शीशम का पेड़, बेल का पेड़, गुड़हल का पेड़, कनेल का पेड़, सब जामुन का पेड़, 50 पेड़ मेरा कटा हुआ है। मेरे दरवाजे पर है सर, आप लोग देख लीजिए।
इसके बाद मैं वहाँ से थाने पर सर से दौड़ी दौड़ी गई, सर मेरा पेड़ कट रहा है, मेरा लड़का भी वहाँ पर है, अगर मेरा मेरे लड़कों को मार देगा काट देगा तो हम क्या करेंगे, सर आप चलिए जल्दी। तो बोल रहे हैं कि लड़का को काट रहा हूँ, सर नहीं काट भी सकता है, हमको कई बार मार चुका है, बड़ी बुरी तरह से मारा है। तो वो बोले कि चलो इसको बैठाओ, ये नौटंकी कर रही है। सर मेरा मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए, मेरे बच्चे से मोबाइल छोड़ रहे थे मेरे घर, वो लोग आए। वहाँ जाने के बाद बोले कि गुड़हल का और बबूर का पेड़ कटा हुआ है, आम जामुन कुछ नहीं कटा है, हम देख कर आ रहे हैं ये नौटंकी कर रही है। मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ, 5 बजे तक मुझे 5:30 बजे तक बैठाए थे, इसके बाद छोड़े। मैं 7 बजे 7:30 बजे के करीब मैं अपने घर रात में आई। आए तो SDM साहब को, DM साहब को, CO साहब को, लेखपाल को, सबको एक लड़का बुलाकर मैं वीडियो बनवाई, सब भेजी, सबसे बात की, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लड़का से बयान लाया। तो आप क्या चाहती हैं इस पे, और जो ये मामला है आपका जी, तो जमीनी विवाद है कि कैसे क्या है, वो जमीन का क्या मामला है? जमीन का मामला है कि सर मैं आबादी में घर बनवाई हूँ, मेरे बगल में नवीन परती है, जो कि नवीन परती में मैं भी पेड़ लगाई हूँ, वो भी मेरे विपक्षी जो राजगुरु पृथ्वीराज है वो भी पेड़ लगाया है, अपना कब्जा किया है, हमारे में जबरदस्ती कर रहा है, अब जबरदस्ती मुझको मार रहा है, बार बार मुझको प्रताड़ित करता है। सर ये 2006 से चल रहा है मैटर। ठीक,